तो दोस्त, इस समय की पहले बड़ी अपडेट में बात करेंगे शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ, सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारा सुपर टेट है 2024 का विज्ञापन कब तक आएगा, क्या सीटेट का पेपर दोबारा होगा, क्या पेपर लीक वाला घटना कहाँ तक पहुंचा, क्या सीबीएसई ने इस पर कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा एक्शन लिया, पूरी खबर हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है, और जो भी इसकी सही न्यूज होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया के अफवाह से भी आपको बच के रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, बिहार में एक और बड़ा बदलाव देखने को बहुत ही जल्द मिलने वाला है। बिहार में फिर सियासी बदलाव की बयार, जेडीयू भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है, नीतीश होंगे मुख्यमंत्री। अब देखिए दोस्तों, बिहार में क्या हुआ, इस बीच में एक साल में काफी ताबड़तोड़ वैकेंसी वहां पर देखने को हमें मिलती है। अब क्या होगा, क्या आने वाले समय में जो बीपीएससी के कैलेंडर आया था उसके हिसाब से टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो होना है वो 24 अगस्त, डेट यहाँ पर अभी से आ गई है, 24 सितंबर तक रिजल्ट आ रहा है, तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। तो क्या होगा, क्या सरकार बदलेगी तो कुछ और बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात थी कि पेपर अभी तक रद्द क्यों नहीं होता है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, सीटेट का जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो सीटेट अगस्त के नाम से आएगा या सीटेट जुलाई के नाम से, क्योंकि सीटेट का पेपर मैक्सिमम टाइम जुलाई में ही कराया जाता है, तो जुलाई के नाम से आएगा तो आपको ये फायदा होगा कि कोई पेपर अगर जुलाई में होगा तो उसका रिजल्ट हर हालत में 1 महीने में आएगा, मतलब अगस्त तक आ जाएगा। तो अगर आप लोग का सीटेट इस बार क्लियर नहीं हो पाता या इस बार आपने सीटेट का एग्जाम नहीं दिया या किसी भी कारणवश से आपका रिजल्ट इस बार खराब होता है तो आपको एक और मौका मिलेगा जो आपके लिए गुड न्यूज होगी, ठीक है। तो हमारा जो सीटेट का नया नोटिफिकेशन है वो किस नाम से आना चाहिए, सीटेट जुलाई के नाम से, ठीक है। तो सीटेट जुलाई का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपका एग्जाम कब कराया जाएगा, जुलाई में, ठीक है। जैसे इस बार हमारा नोटिफिकेशन आया था किस नाम से आया था, सीटेट जनवरी के नाम से, तो पेपर हमारा जनवरी में हुआ और रिजल्ट कब आएगा इसका, फरवरी में। तो अब जो रिजल्ट की इंतजार की घड़ियां हैं वो लगभग समाप्ति की ओर है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको एक बार दिखा देते हैं सीटेट की, आप यहां पर देख सकते हैं कुछ भी, आपको यहाँ पर देखिए शाम हो रही है लेकिन अभी तक कुछ भी पेपर रद्द को लेकर कुछ भी ऐसी खबर नहीं है, या सीबीएसई ने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो या कोई नोटिस जारी हो गई हो, ठीक है। आते हैं वीडियो में वापस। तो देखिए जो लास्ट टाइम सीटेट का रिजल्ट आया था वो 24.6% बच्चे पास हुए थे प्राइमरी लेवल पर। देखिए रिजल्ट में इस बार कुछ बड़ी बातें हुई, जो पेपर बनता है लास्ट टाइम फर्स्ट शिफ्ट में होता है लेकिन इस बार इसको क्या किया गया, इसको किया गया सेकंड शिफ्ट में। जो हमारा पेपर 2 बार सेकंड शिफ्ट में होता था उसको क्या किया गया दोस्तों, इसको कर दिया गया फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। इससे ये बात आपको समझ में आएगी कि इस बार पेपर 2 में ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हुए होंगे, ज्यादा बच्चे पेपर 3 होंगे क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो यहाँ पर देख सकते हैं आप पीएड कैंडिडेट 12 लाख थी पहले पेपर 1 में, 11 लाख पेपर 2 में, तो जस्ट उल्टा इस बार देखने को हमें मिल सकता है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1 में पास होने वाले छात्रों की संख्या इस बार पहले से घट सकती है, कम हो सकती है, क्योंकि बीएड छात्र सम्मिलित नहीं हुए होंगे या कुछ बच्चे बीएड के पेपर दे भी दिए होंगे तो उनका मतलब कुछ होगा नहीं आगे चल के, लेकिन ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि चलो भैया 1200 का फॉर्म है टोटल, पेपर 1 पेपर 2 के लिए 1000 का पेपर 2 या 1 है तो 1200 ही पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात आ जाती है। बाकी सीटेट फाइनल आंसर किया, सीटेट रिजल्ट कब तक आएगा, देखिए इस पर अभी तो फैसला हुआ नहीं है तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, और किसी भी समय, अब देखिए फाइनल आंसर की जो बात है ना वो किसी भी समय आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो रिजल्ट है वो क्लियर है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, फरवरी में। अभी जो हमारी आंसर किया कि फर्स्ट आंसर किया है कि दोस्तों, वहां पर हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने नंबर फ्री के मिल रहे हैं, कितने नंबर कॉमन मिल रहे हैं। देखिए जब आंसर की जारी हो जाएगी उसके बाद ये बात क्लियर होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पर आपको कॉमन नंबर मिल रहा है या किस पे आपका विकल्प चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने के लिए भैया कभी कभी 1-1000 रुपए तक की पेमेंट लगती है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं करते लेकिन कुछ बच्चे करते हैं तब भी, जिनका 1 से 2 नंबर से रुकता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, सीटेट में जो पास होने के लिए मिनिमम कट ऑफ है सीटेट के लिए, जरा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए। अगर मान लेते हैं आप गलती से 89 नंबर पाने तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट क्वालिफाइड कहिए, या इसको सिंपल भाषा में फेल कह सकते हैं, ठीक है, इसको नॉट क्वालिफाइड कहेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के, तो पास होने के लिए आपको 82 नंबर चाहिए। अगर आप गलती से 1 नंबर कम लाते हैं 81, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट क्वालिफाइड के क्राइटेरिया में आएगा। एक बात और, इस बार दोस्तों कोई भी न्यूज चैनल, बड़े बड़ी एजेंसियों ने ये नहीं कवर किया कि कोई पेपर लीक हुआ था, ये सब दोस्तों ओल्ड न्यूज है जो हम आपके सामने पहले भी रखे हैं, या जो 2.5 लाख में पेपर बिकने की बात है ये सब पुरानी खबरें हैं। तो आप समझिए पहले, इस बार
कोई भी न्यूज़पेपर ने इस बात को कवर ही नहीं किया कि कोई पेपर लीक हुआ। तो आप पेपर रद्द की कैसी बात कर सकते हैं? ठीक है, कोई न्यूज़पेपर खुलकर तो सामने आता कि भैया पेपर आउट हुआ है, तो भैया पेपर वाले भी डरते हैं कि भैया इस समय सरकार किसकी चल रही है, क्या बातें करना चाहिए कि नहीं, क्या उनको कुछ प्रूफ मिला। देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना, पेपर में कुछ भी निकले तो उसके लिए पहले प्रूफ चाहिए, आपके पास कुछ है, ठोस सबूत होना चाहिए कि कोई पेपर सच में लीक हुआ है, ठीक है ना। नहीं तो फिर वही होगा कि भैया सीबीएसई है, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले बीपीएससी की तरफ से जो हमारा नया नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती को देख लेकर आएगा, और यूपी में अगला महीना फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। क्या होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो हमारा है वो लगभग बनकर तैयार है, और फरवरी में हो सकता है कि कुछ विज्ञापन हमें देखने को मिल जाए पहली भर्ती का। ठीक है, 2018 के बाद अभी तक हमने कोई वैकेंसी नहीं देखी। 2018 में जो बड़ी वैकेंसी आती है उसका नाम होता है 69,000 शिक्षक भर्ती। उसके बाद मामला ये शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर सरकार ने कहा भैया हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। तो अगर इतने बड़ी वैकेंसी आती है जहां पर मौका सिर्फ मिलेगा, ठीक है, यूपी डीएलएड वालों को, अब कोई बच्चा अदर स्टेट से आता है तो उनको भी मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो सारे बच्चे जनरल में जाएंगे, और जो बच्चे उत्तर प्रदेश के होंगे उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा। कौन कौन सी कैटेगरी में आरक्षण का फायदा मिलेगा? अगर आप यूपी से आते हैं जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको फायदा मिलेगा ईडब्ल्यूएस का, नहीं तो आप ओबीसी कैटेगरी में आते होंगे, एससी कैटेगरी में आते होंगे, एसटी में आते होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फायदा किन बच्चों को मिलेगा? वो मिलेगा ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी में। ओबीसी की कटाप उतनी कम नहीं जाएगी, एक बात हम पहले आपको बताते चले, अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो भैया जमकर तैयारी लगेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये फर्स्ट टाइम आपको यूपी की शिक्षक भर्ती में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले 69,000 में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नहीं था, ठीक है। तो कटाप बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। देखिए 16 फरवरी को दिल्ली में जो दिल्ली का बजट आने वाला है, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सरकार ने की 2024-25 बजट सत्र की घोषणा, ठीक है। तो दिल्ली में कुछ बड़ी बात होगी, नीतीश के पास है पर्याप्त संख्या बल, कल बन सकते हैं 8वीं भर्ती। तो भैया देख सकते हैं नीतीश सरकार क्या हो रहा है वहां पर बिहार में, तो सभी लोग अपना फायदा देखते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपको भी अपना फायदा देख रहा है, जहां पर भी नौकरी का कोई चांस मिले तो भैया नौकरी करिए, ठीक है ना। किसी और के भरोसे मत रहिए कि भैया हमें नहीं टीचर ही बनना है, ठीक है। पुलिस की वैकेंसी आई है यूपी में, उसमें अप्लाई कर दीजिए, नौकरी लग गई, फिर टीचर की वैकेंसी आ जाए टीचर में आ जाइएगा, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ये मत सोचिएगा भैया हम तो भैया यूपीएसआई में चले गए, यूपी पुलिस में कॉन्स्टेबल बन गए, क्या टीचर अब बने कि ना बने। तो इस पर आप लोग गलती मत करिएगा, जहां नौकरी मिल जाए सरकारी, ठीक है, वहां नौकरी करिए। उसके बाद जहां पर आपको जो भी आपका ड्रीम है जॉब का कि हमें यही करना है, तो उसमें करिएगा, पहले कुछ ना कुछ सेटल हो जाइए, ठीक है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, कोई भी खबर अभी तक ऐसी निकल कर नहीं आती जहां पर पेपर लीक की कोई बात क्लियर हो सीबीएसई की तरफ से, या पेपर रद्द हो या पेपर दोबारा हो, ठीक है। तो भैया बच के रहिए आप लोग सोशल मीडिया के फॉर्म से। हाँ एक बात होगी जो आप लोग को मिलेगा, वो होगा फ्री के नंबर, कुछ मिल सकते हैं कॉमन नंबर। और जहां पर बच्चे कहते हैं भैया सबको पास कर दिया जाए अगर पेपर लीक हुआ है, किसी भी सिटी में अगर ये खबर आती है कि हमारे जिले में पेपर आउट है तो सबको पास किया जाए। चलिए देखते हैं क्या करती है सीबीएसई। रिजल्ट तो पिछली बार बेहद खराब था, उम्मीद करेंगे इस बार का रिजल्ट अच्छा है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।